बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डेटाबेस एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। डेटाबेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट रिपोजिटरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या है। रिपॉजिटरी और मेटा डाटा रिपॉजिटरी। अ रिपॉजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स, आउटपुट स्टाइल्स एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स एक्सेट्रा। रिपॉजिटरी को जनरली अगर हम डेटाबेस एनवायरनमेंट में देखें तो रिपॉजिटरी एक सेंट्रल प्लेस होती है जहाँ पे डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। और रिपॉजिटरी में अगर हम स्पेसिफिकली मेटा डाटा रिपॉजिटरी की बात करें तो मेटा डाटा रिपॉजिटरी क्या है? अ रिपॉजिटरी इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डाटा। रिपॉजिटरी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेटा डाटा को स्टोर करती है। रिपॉजिटरी को हम कह सकते हैं कि एक टाइप का डाटा बेस है, लेकिन डाटा बेस क्या करता था कि वो डाटा को स्टोर करता था, लेकिन रिपॉजिटरी हमारे पास मेटा डाटा को स्टोर करती है। ऐसी रिपॉजिटरी जिसके अंदर मेटा डाटा पड़ा होगा उसको हम कहेंगे ये मेटा डाटा रिपॉजिटरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर में देख ली थी, लेकिन फिर देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS भी इसको कहते हैं। DBMS बेसिकली क्या है? DBMS एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ करके हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको मेंटेन कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL और MySQL भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ओरेकल, DB2। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करके डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट डेटाबेस। डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा वो है डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। ये डेफिनेशन भी हमने स्टूडेंट्स देखी थी स्टार्ट के लेक्चर में। डेटाबेस क्या है? बेसिकली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में, एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर में सेव करते हैं या स्टोर करते हैं कहीं पर, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास डेटाबेस है। यानी वो स्टोरेज हमारे पास डेटाबेस होगा जिसके अंदर हमने डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया हुआ है। तो डेटाबेसेस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लाइब्रेरी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम। यानी कि लाइब्रेरी के एक टॉपिक के ऊपर लाइब्रेरी से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ होंगी उनका डाटा अगर हमने एक ही जगह कहीं पे स्टोर किया हुआ है एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर में, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डेटाबेस है। इसी तरह से कॉलेज से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा अगर वो एक ही जगह हमने कहीं पर स्टोर किया हुआ है तो उसको भी हम कहेंगे कि ये कॉलेज का डेटाबेस है। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। द कमांड्स आर सेंड टू द DBMS थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डेटाबेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स हमने भी देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं, और डेटाबेसेस के अंदर हमने क्या सेव किया होता है? डाटा। तो डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको अगर हमें एक्सेस करना हो या फिर उसको प्रोसेस करना हो तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कमांड्स भेजता है DBMS को। अगर आपने डेटाबेस के अंदर से कुछ डाटा को एक्सेस करना है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ कमांड सेंड करता है DBMS को, और DBMS फिर उसको मैनिपुलेट करता है डेटाबेस को। यानी कि DBMS पे डेटाबेस से वो जो भी चीज़ आपने एक्सेस करनी है उसको रिट्रीव करके देगा।
तो डेटाबेसेस को बेसिकली एक्सेस करना हो या उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी हो तो फिर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कमांड्स भेजेगा डीबीएमएस को और डीबीएमएस देन फर्दर डेटाबेसेस को भेजता है और डेटाबेस पे जो आंसर रिटर्न करेगा वो डीबीएमएस को आएगा और फिर डीबीएमएस एप्लीकेशन प्रोग्राम को देता है और फिर आपको आप तक पहुँचती है। द कमांड्स आर सेंड टू द डीबीएमएस थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ये नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कमांड्स डीबीएमएस को कैसे भेज सकता है कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करेगा और जिसको यूज करते हुए वो डीबीएमएस को कमांड सेंड करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा यूजर इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस अभी जैसे हमने देखा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकती हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी। तो डेटाबेसेस के केस में अभी हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को। द यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इन्वायरमेंट दैट इज़ यूज बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस वो विजुअल इन्वायरमेंट होता है जिसको यूज़र यूज़ करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज, बटन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। यूज़र इंटरफेस के अंदर स्पेशली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर हमारे पास कुछ मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं उसमें और कुछ और कंपोनेंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। द यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फॉर्म्स, मेन्यूज, रिपोर्ट्स। डीबीएमएस के केस में यूज़र इंटरफेस में हमारे पास मेजर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्म्स, मेन्यूज एंड रिपोर्ट्स। अगर हमने डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर करना हो तो उसके लिए हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर्म्स डेटाबेसेस के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और फॉर्म्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर्म्स में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स एंड बटन्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मेन्यूज। मेन्यूज कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आउटपुट के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। जब भी आपने डेटाबेसेस से कुछ डाटा को रिट्रीव करके आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है तो आप रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और रिपोर्ट्स में आप चार्ट्स की फॉर्म में भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप टेबल की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली ये सारी टर्म्स जो हैं, यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, DBMS, databases, ये सारी आपस में interlinked हैं। हमने अभी देखा कि डाटा हमारा कहाँ पड़ा होता है, databases के अंदर, और databases कैसे क्रिएट होते हैं, ये maintain हो रहे होते हैं वो DBMS को यूज़ करके क्रिएट और maintain हो रहे होते हैं। और DBMS में हमारे पास फिर हमने देखा application program होता है। लेकिन अगर हमने किसी यूज़र ने उस डाटा को जो कि डेटाबेस के अंदर सेव है उसको एक्सेस करना हो या उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, बल्कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर कमांड्स डीबीएमएस को भेजता है और डीबीएमएस देन डेटाबेस से डाटा को कमांड्स भेज के रिट्रीव करवाता है इन्फॉर्मेशन और वापस एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास आती है और एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर यूज़र को देता है। अब एक स्टेप और आगे अगर हम मूव करें तो यूज़र इंटरफेस कहाँ पे काम कर रहा है। यूज़र इंटरफेस बेसिकली आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम की इंटरफेस होती है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो आपको जो फ्रंट हैंड विजुअल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा होता है वो यूज़र इंटरफेस होती है, यानी कि यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट है। इस केस में यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ही एम्बेड हुई होगी जिसको हम यूज़ करके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या उस पर फिर फर्दर को प्रोसेसिंग करनी हो तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब तक हमने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस एनवायरनमेंट में यूज़र्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ यूज़र्स हम स्टडी करने लगे हैं वो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके फुल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है कि डाटा को उन्होंने कहाँ स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, किस किस को उस डाटा तक एक्सेस देनी है। और अगर डाटा सेंट्रलाइज पड़ा हुआ है और वो शेयर है डिफरेंट यूजर्स में और कोई डिस्प्यूट आ जाता है शेयर डाटा की वजह से तो उसको रिजॉल्व करना, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो
डेटा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्लानिंग होती है डाटा से रिलेटेड, वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? हम किसी न्यूली हायर्ड पर्सन को डाटा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सेलेक्ट कर सकते। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को फुली टेक्निकल होना भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना हो तो आप कहें कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो। नो, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स होने के लिए कंडीशन ये होती है कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली देखते हैं कि जो आपका बिल्कुल सीनियर लेवल का मैनेजर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सीनियर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट होते हैं। जो मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर लेवल मैनेजर्स हों और साथ में उनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज भी हो। टेक्निकल नॉलेज इसलिए कि जब वो बाकी टेक्निकल पर्सोनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें तो वो उनके साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर सकें, लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई टेक्निकल पर्सन होगा या प्रोग्रामर, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी टेक्निकल नॉलेज हो, लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फुली टेक्निकल एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। द ऑथराइज एक्सेस टू द डाटा बेस एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड मोनिटर द यूज़ ऑफ डाटा बेस। वही बात कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा बेस के ऊपर, यानी डाटा के ऊपर किस किस को एक्सेस देना है और किस लेवल तक देना है, ये जो है एक्सेस लेवल्स डिफाइन करना, या फिर डाटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ पर स्टोर होगा और कैसे मोनिटर होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती हैं। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डाटा बेस इन्वायरमेंट के अंदर जो नेक्स्ट लेवल है यूजर्स का, वो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ डाटा बेस। बेसिकली डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा बेस के डिज़ाइन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा बेसिस को क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा, लाइक कौन सा DBMS यूज़ किया जाएगा, उसकी सिलेक्शन, फिर उसकी इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा काम डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। और उस टूल के अंदर फिर फर्दर उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उसके अंदर जो ऑपरेशंस होंगे, ये सारा काम डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। ही मस्ट बी टेक्निकल कॉम्पिटेंट एंड गुड मैनेजर। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर को टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजली टेक्निकल पर्सोनल्स होते हैं और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास टेक्निकल स्किल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स दोनों का होना ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स होंगे अच्छे तो ही वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और मैनेजरियल स्किल्स होंगे तो वो बाकियों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, लाइक बाकी यूजर्स जो होते हैं आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एनालिस्ट होता है, इसी तरह से प्रोग्रामर के साथ या यूजर्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट लेवल के जो हमारे पास यूजर्स हैं वो है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर्स एंड डेवलप स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांजैक्शंस। जिन यूजर्स के लिए आप डेटाबेसेस बना रहे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम एनालिस्ट गैदर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस को डिवेलप करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इम्प्लीमेंट दीज स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोग्राम्स। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर का ये काम होता है कि वो जो स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स जो उनके एनालिस्ट लेते हैं और फिर स्पेसिफिकेशंस डिवेलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर उनकी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, प्रोग्राम्स राइट करते हैं। यानी कि बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का काम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाना होता है और उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के कोड्स राइट करना होता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ यूजर्स हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स आर द पर्सन हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। एंड यूजर्स वो पर्सन होते हैं बेसिकली जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करके डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक क्लर्क्स हो सकते हैं एंड यूजर्स। अब स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट को एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो आपस में कैसे मिल के काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये मैंने एक लेयर बना दी है यूज़र्स की, यानी कि यहाँ पे डाटा और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, इसी तरह से सिस्टम डिवेलपर्स
सिस्टम डेवलपर कहते हैं प्रोग्रामर्स को स्टूडेंट, जो कि सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स राइट कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रामर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से एंड यूजर्स, क्लर्क्स वगैरह, या जो भी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, वो आपके यहाँ पे आएंगे। और फिर अगर आप देखें तो ये UI मीन्स कि यूज़र इंटरफेस, ये हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। इस तरह से ये DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये हमारे पास डेटाबेस है जिसमें आपका एक्चुअल डाटा स्टोर है, और ये हमारे पास रिपॉजिटरी है जिसके अंदर आपका मेटा डाटा स्टोर है। तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपने डेटाबेस से कुछ डाटा एक्सेस करना है, तो यूज़र कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। आप देखें तो कोई एरर भी यूज़र से डेटाबेस की तरफ डायरेक्टली नहीं आ रहा, यानी कि यूज़र ने जब भी डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा। यूज़र इंटरफेस में आपके पास कुछ कमांड्स, ऑप्शंस, मेन्यूज होंगे जिनको यूज़ करते हुए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स से इंटरेक्ट करेगा। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो कमांड्स जो कि जो भी यूज़र की डिमांड है, लेट्स सपोज यूज़र कुछ यहाँ से रिट्रीव करना चाहता है, तो वो UI को यूज़ करते हुए, यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम वो कमांड्स वो DBMS को भेजेगा, और DBMS फिर उस वो वाली कमांड्स जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने कही होंगी, कमांड्स की बेस पर डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और डेटाबेस इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके वापस अपने पास लाएगा। तो ये एरो बायडायरेक्शनल इसलिए है कि ये कोई भी क्यूरी करेगा तो डेटाबेस की तरफ भी जा सकती है, और डेटाबेस से जो आंसर आएगा वो भी वापस DBMS की तरफ आ सकता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि DBMS यूज़र को कैसे दे सकता है। यूज़र डायरेक्टली DBMS से भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता। DBMS क्या करेगा, या तो UI को यूज़ करते हुए आंसर रिटर्न कर रहा है यूज़र को, या फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिटर्न कर रहा है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज़र इंटरफेस होगी और उसके थ्रू आपको यूज़र को मिल रही है वो इंफॉर्मेशन। इसी तरह से यहाँ आप देखें तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स बेसिकली कुछ भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइन करता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स उन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन बाकी यूज़र्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, और DBMS की सिलेक्शन, उसकी इंस्टॉलेशन तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और इसी तरह से ये डिसीजन के डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करना है और कैसे स्टोर करना है, ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। और यहाँ पे रिपोजिटरी को देखें तो रिपोजिटरी भी एक टाइप का डेटाबेस है, रिपोजिटरी भी एक टाइप का डेटाबेस ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपका मेटा डाटा सेव होगा, यानी इसके अंदर आपका सिंपल डाटा नहीं होगा जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बल्कि डाटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो रिपोजिटरी के अंदर होगी। तो ये ओवरऑल आपके थे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट्स। और आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।